एक तरफ चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ नारायणगढ़ में पेयजल योजना के बाधित होने से नारायणगढ़ बाजार समेत कई कस्बों में पेयजल संकट गहरा गया है, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। पिछले एक पखवाड़े से यहां नारायणगढ़ मुख्य बाजार सहित कई कस्बों में पानी की लाइनों के बाधित होने के कारण आम लोगों में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। हालांकि जल संस्थान के कर्मियों द्वारा पानी की आपूर्ति सुचारू करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले कई दिनों से संस्थान के टैंकर भी पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, परंतु यह एक बड़ी आबादी के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है। पानी के टैंकर के बाजार में पहुंचने पर महिलाओं और दुकानदारों का आधा से ज्यादा समय पानी जुटाने में गुजर जा रहा है, जिससे उनके रोजमर्रा के काम धंधे भी प्रभावित होकर रह गए हैं। दूसरी ओर कस्बों में पेयजल के लिए सूख चुके प्राकृतिक जल स्रोतों पर लोग निर्भर होकर रह गए हैं। पेयजल किल्लत से बाजार में सबसे अधिक परेशानी किराए पर रहने वाले होटल दुकानदारों, कर्मचारी और छात्र छात्राओं को हो रही है। वे लोग टैंकर से पानी की सप्लाई से भी वंचित रह जा रहे हैं। बुधवार को जल संस्थान के सहायक अभियंता दिनेश पुरोहित अपने कर्मचारियों के साथ बाधित पेयजल लाइन को सुचारू करने में लगे हुए हैं, परंतु समाचार लिखने तक पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। एक हफ्ते से जो है कि नारायणगढ़ में पानी की बहुत समस्या है। आग लगने से पाइप क्षतिग्रस्त हो चुका है। पानी विभाग को कह रहे थे, वो कह रहे हैं हमारे पास पाइप नहीं है। तो एक हफ्ते से हम इनको मतलब पानी के लिए कह रहे हो कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है। यहाँ पर पब्लिक इतनी परेशान है कि घरों से पानी के लिए आ रहे हैं और बहुत ही परेशान है। एक हफ्ता हो गया है जो कि आज नारायणगढ़ बाजार में पानी नहीं है। पीने के लिए पानी हम लोग बोतलों पर हर जगह से पानी के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर पानी कहीं कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। पानी की यहाँ पर पाइप नहीं है। हमारे पानी विभाग के लिए पाइप नहीं है। पानी विभाग के लिए पानी पाइप के लिए बोलते हैं तो कह रहे हमारे विभाग में पानी पाइप नहीं है। टैंकर से पानी सप्लाई और टैंकर से यहाँ पर पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे कि लोग बहुत परेशान हैं। अपने घरों से बच्चे से बड़े छोटे से छोटे पानी लेने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से पानी नहीं है। जब पानी बंद होना था, बरसात में पानी बंद नहीं होता, आज गर्मी के टाइम पर पानी बंद हो रहा है। जब भी गढ़वाल में अतिरिक्त आवश्यक पानी की जरूरत है, गढ़वाल में कभी पानी बंद नहीं हुआ, बरसात में नहीं हुआ, आज गर्मी में पानी बंद हो रहा है।